स्टूडेंट्स बट आई हैव सेंड यू द थियोरी पोर्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर यू डिड दैट इज मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स. तो इसमें बेटा आपका क्या क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट उन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप कोई भी दो या तीन याद कर लो. देन व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एवरेज, ठीक है, फीचर्स ऑफ गुड एवरेज. एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्ट ये वर्डिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप मिक्स भी कर सकते हो, ठीक है. मतलब इतना आप रेडी कर लो अपना कि आप कुछ ना कुछ लिख सको एग्जाम्स में. देन एवरेजेस मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, दे आर ऑफ टू टाइप्स, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज. इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है एंड उन दोनों में कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, और सारी आपने ऑलरेडी की हुई हैं. देन अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन आ गई, ठीक है. देन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अरिथमेटिक मीन. देन ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन आ गई एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. देन मीडियन की डेफिनेशन आ गई एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मीडियन. मॉड की डेफिनेशन आ गई एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मॉड. अब ये जो एडवांटेजेस और लिमिटेशंस है ना, ये ज़रूरी नहीं हर एक की आपने वैसे ही याद करनी है, आप मीन्स सबकी याद कर लो, मिक्स भी हो जाए तो कोई बात नहीं. मीन्स ज्योमेट्रिक मीन की आप मीडियन में लिख दो या मीडियन की, क्योंकि सबकी ऑलमोस्ट सेम ही आप देखोगे, ठीक है. सो मेन है कि आपको आना चाहिए थियोरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन एंड मॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना. सो बस इतनी है फर्स्ट चैप्टर की आपकी थियोरी मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इज मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले डिस्पर्जन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिस्पर्जन. और ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी जब मैंने चैप्टर की आपको वीडियो सेंड की थी, उसमें स्टार्टिंग में बताया था मैंने कि डिस्पर्जन क्या होता है एंड व्हाई डू वी नीड दैट. देन मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है. उसके बाद व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन एंड मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, यानी डिस्पर्जन को फाइंड आउट करने के डिफरेंट मैथड्स कौन से हैं. सो एब्सोल्यूट मैथड्स हैं, रिलेटिव मैथड्स हैं. एब्सोल्यूट मेथड्स में कौन से आ जाते हैं, रिलेटिव मेथड्स में कौन से आ जाते हैं, सब आप कवर ऑलरेडी कर चुके हो इन योर न्यूमेरिकल पोर्शन. देन व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेयर ऑफ डिस्पर्जन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेयर ऑफ डिस्पर्जन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, ये आ जाता होता है एग्जाम्स में, ठीक है. और डिफरेंस ही अगर आप याद कर लो तो डिफरेंस को जब आप जोड़ दोगे तो आपका डेफिनेशन भी तैयार हो जाती है. लाइक मीन डेविएशन के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा लिख दोगे तो मीन डेविएशन की डेफिनेशन बन जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन के सारे पॉइंट्स को इकट्ठा लिख दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन बन जाएगी. यानी डिफरेंस ही याद कर लोगे तो डेफिनेशंस भी ऑटोमेटिकली आपके बीच में ही कवर हो जाती हैं. फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेयर्स ऑफ डिस्पर्जन, दैट इज द सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. स्टूडेंट्स द थर्ड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इज कोरिलेशन एनालिसिस. तो इसकी थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं या सीरीज हैं, देयर ऑफ थ्री टाइप्स, यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट. एक बार एग्जाम्स में इनका क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीवेरिएट सीरीज और बाईवेरिएट सीरीज. तो इसकी थ्योरी आप एक बार पढ़ लेना जो ऊपर वाला पैराग्राफ है. देन द डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट्स, आप कोई भी दो या तीन याद कर लो. देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट. सो कोरिलेशन के टाइप्स, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल कोरिलेशन, टोटल, लीनियर, नॉन लीनियर, और बहुत ईजी हैं, आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. देन व्हाई डू वी नीड कोरिलेशन एनालिसिस, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. एक तो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पीयर्समैन्स कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम्स में आ जाता है. सो दिस वॉज द थर्ड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पोर्शन, दैट इज कोरिलेशन. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इज रिग्रेशन एनालिसिस. अब इसमें आपने थ्योरी में क्या करना है, रिग्रेशन एनालिसिस की डेफिनेशन देख लो, ठीक है.
देन वॉट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वॉट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में. एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम्स में. देन वॉट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस? वी हैव सिंगल सिंपल रिग्रेशन, मल्टीपल, पार्शल, टोटल, लीनियर, नॉन लीनियर. जैसे कोरिलेशन की टाइप्स थी वैसे ही रिग्रेशन की टाइप्स हैं. देन वाई डू वी डू रिग्रेशन एनालिसिस? ठीक है. देन वॉट आर रिग्रेशन लाइन्स? देन आपको पता है रिग्रेशन लाइन्स दो होती हैं, एक वाई ऑन एक्स और एन एक्स ऑन वाई. ठीक है, इसके बारे में. देन मेथड ऑफ ली स्क्वायर, ये मेथड ऑफ ली स्क्वायर आप यहाँ से भी कर सकते हो, और जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है थियोरी सारी मेथड ऑफ ली स्क्वायर की, आप वहाँ से भी कर सकते हो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन वॉट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस? फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस. द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. तो सबसे पहले स्क्यूनेस की डेफिनेशन दी हुई है, अगेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, आप इसमें से कोई भी दो या एक याद कर लो. देन वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस? दैट इज सिमेट्रिकल स्क्यूनेस एंड असिमेट्रिकल. ठीक है. देन जो स्क्यूनेस है, असिमेट्रिकल स्क्यूनेस, दैट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होती है और नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है, और इन केसेस में मीन, मीडियन, मॉड का आपस में क्या रिलेशन होता है. सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर 12.3 एंड 12.4. देन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस ये कर लेना. ठीक है. देन वॉट आर द वेरियस मयर्स ऑफ स्क्यूनेस? स्क्यूनेस मयर करने के तरीके जो हम ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स में कर चुके हैं. सो एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मयर्स हैं, और इन दोनों में ये कैटेगरीज आ जाती हैं. ठीक है. देन एक टॉपिक होता है मूवमेंट्स का, इसके न्यूमेरिकल्स तो नहीं आपके सिलेबस में, बट अगर मूवमेंट्स के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, देन दिस इज़ द थियोरी ऑफ मूवमेंट्स. देन कर्टोसिस, वैसे ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ आपको आपकी जो वीडियोज है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, स्टिल थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी दोबारा कर सकते हो. वीडियो भी देख लो, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ से आप थियोरी कर सकते हो. ठीक है. देन द डेफिनेशन ऑफ कर्टोसिस एंड थ्री टाइप्स ऑफ कर्टोसिस की सीरीज, लैप्टोकर्टिक कब होती है, मैसोकर्टिक कब होती है, और प्लैटिकर्टिक कब होती है. ठीक है. देन द डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 4 ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दैट इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस. स्टूडेंट्स, ये जो PDF है ये किसी चैप्टर की थ्योरी नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा थ्योरी है ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड्स, और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुके हुए हैं. लाइक हाउ कैन यू क्लासिफाई द न्यूमेरिकल डेटा? सो न्यूमेरिकल डेटा इज ऑफ टू टाइप्स, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा. ठीक है. अनग्रुप डेटा में आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज, एंड ग्रुप डेटा में आ जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस सीरीज. ठीक है. उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं इन तीनों तरह की. देन क्लास लिमिट्स किसको कहते हैं, क्लास की विड्थ किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता है ऑलरेडी, है ना, जस्ट इसकी थियोरी है. देन इक्वल एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का क्या मतलब है. देन एक्सक्लूसिव क्लास एंड इंक्लूसिव क्लास, इसके तो आपके न्यूमेरिकल्स भी आपने सॉल्व किए हुए हैं, इसका क्या मतलब है. ठीक है. ओपन एंड सीरीज का क्या मतलब है. ठीक है. देन मिड वैल्यू क्या होती है, क्लास की फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं. देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी फेस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फाइन, ये जस्ट थ्योरी है इसकी, इसको आप देख लेना. देन हाउ कैन यू टेबुलेट द डेटा, ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि टेबुलेशन का मतलब क्या है. सो टेबुलेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी समझाया हुआ, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का, उसके स्टार्टिंग में कि हमें डेटा दिया होता है और हम उसको टेबुलेट कैसे करते हैं, डेटा को हम टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सो ये सारा उसका दिया हुआ है. सो बेटा ये एक्स्ट्रा थ्योरी है, इसको भी ज़रूर कर लेना, ये किसी चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट दिस इज़ जस्ट बेसिक थ्योरी और बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. ओके. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड पोर्शन इज एरर्स. इसमें सबसे पहले एरर्स से स्टार्टिंग नहीं होगी थ्योरी की. थ्योरी में सबसे पहले है कि एनालिटिकल टेक्निक्स क्या होती हैं किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की. देन न्यूमेरिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं. ठीक है. उसके बाद
जो नेक्स्ट टॉपिक है कि न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल मेथड का डिफरेंस कर लोगे ना, तो उन्हीं की लाइंस को जोड़ के आपकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। क्वेश्चन कैन कम कि व्हाट इज़ न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड व्हाट आर न्यूमेरिकल मेथड्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। सो इसमें डिफरेंसेस जो है, टी लाइन वाले डिफरेंसेस नहीं दिए हुए, बट डेफिनेशंस दी हुई हैं। मैं कोशिश करती हूँ नेट से आपको टी लाइन वाले डिफरेंसेस ढूंढ के ना, जो प्रॉपर डिफरेंसेस होते हैं, तो मैं इस PDF में आपको अटैच करके भेजूंगी। देन द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द वेरियस मेयर्स ऑफ एरर्स। ये एक्चुअली पहला क्वेश्चन ही होता है हमेशा न्यूमेरिकल मेथड के पेपर का। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। 3 मेयर्स ऑफ एरर्स आर देयर, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स, तो इसमें आपके ब्लंडर्स, मॉडलिंग एरर, इनहेरेंट एरर एंड न्यूमेरिकल एरर आ जाएगा, और इसकी कैटेगरीज हैं और एक्सप्लेनेशन है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स की एक और मैंने दूसरी बुक से भी नोट्स लिए हैं, ये भी हैं, ठीक है। आप इन दोनों को मिक्स कर सकते हो, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। देन व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल एनालिसिस प्रोसेस, ये इस फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल मेथड एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, सो हमें मिल ही गया। सो आप ये डिफरेंसेस याद कर लोगे ना, तो इन्हीं को जोड़ के ही आपकी डेफिनेशंस भी बन जाएंगी। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। तो सबसे पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है, आपने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। देन दीज इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। एंड अगर इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात करें, देर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड आइटरेटिव। और आपको पता है गॉस एलिमिनेशन और जॉर्डन जो है वो डायरेक्ट में आ जाते हैं, और गॉस सीडल वो आइटरेटिव में आ जाता है। देन गॉस एलिमिनेशन का मेथड क्या है, सारा जो आपने, जैसे आप सम सॉल्व करते हो वही आप थियोरी में इसको ऐसे लिख दोगे। देन गॉस जॉर्डन का क्या मेथड है सॉल्व करने का, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मेथड्स, ठीक है। देन मैट्रिक्स इनवर्स मेथड की थियोरी कि कैसे सॉल्व करते हैं, एंड देन द गॉस सीडल मेथड, इसकी थियोरी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये थियोरी पढ़ने से पहले सबसे पहले आप न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करो, फिर आपको थियोरी बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगी, या प्रोसेस बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा कि लिखना कैसे है। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जॉर्डन एंड सीडल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस। सो द नेक्स्ट चैप्टर इन योर सिलेबस इज नॉन लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर नॉन लीनियर इक्वेशंस, व्हाट आर द, देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, अलजेब्राइक, ट्रांसेंडेंटल एंड पॉलिनोमियल। और इसको डिटेल में मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर भी दिया हुआ है कि तीनों इक्वेशंस कौन सी होती हैं। देन व्हाट आर द मेथड्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ दीज नॉन लीनियर इक्वेशंस, सो वी हैव डायरेक्ट मेथड्स एंड आइटरेटिव मेथड्स। एंड आइटरेटिव फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, ब्रैकेटिंग एंड आइटरेटिव मेथड्स एंड ओपन एंड। सो ब्रैकेटिंग एंड में आपके आ जाएंगे बाइसेक्शन एंड फॉल्स पोजिशन, एंड ओपन एंड में आ जाता है आपका न्यूटन राफ्सन मेथड, ठीक है। सो डायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, आइटरेटिव मेथड्स क्या होते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रैकेटिंग एंड ओपन एंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड आइटरेटिव मेथड्स, ओके। फिर बाइसेक्शन मेथड की थ्योरी, बाइसेक्शन मेथड कैसे यूज होता है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। तो जैसे आपने किया हुआ है न्यूमेरिकल, वही सेम कंसेप्ट है, ठीक है, उसको थ्रेटिकल वे से उसने बताया हुआ है। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बाइसेक्शन मेथड, देन हाउ फॉल्स पोजिशन मेथड इज यूज टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉल्स पोजिशन मेथड, देन हाउ न्यूटन राफ्सन मेथड इज यूज टू सॉल्व द सॉल्यूशन, द उसकी जो थियोरेटिकल है, उसकी डेरिवेशन है कि फॉर्मूला, ये डेरिवेशन एक्चुअली कि फॉर्मूला डराइव कहाँ से हुआ, ये फॉर्मूला आया कहाँ से। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूटन राफ्सन, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 मेथड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना। सो इसकी थियोरी में बस इतना ही है, फाइन। सो दिस वॉज द सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल मेथड इज इंटरपोलेशन, ठीक है। इंटरपोलेशन क्या होता है, देन व्हाट इज एक्सट्रापोलेशन,
इन सब की वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दे दी हुई है, बट स्टिल फॉर द थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन. ठीक है, देन व्हाई डू वी नीड इंटरपोलेशन, देन व्हाट आर द मेथड्स फॉर फाइंडिंग इंटरपोलेशन. सो देयर आर टू मेथड्स, ग्राफिकल एंड एलजेब्राइक. एंड इन एलजेब्राइक वी हैव इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स एंड विद अनइक्वल इंटरवल्स. तो ये सब आपने ऑलरेडी किया हुआ है. देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, इसको आप कर जाना. फाइन, सो इंटरपोलेशन की ज्यादा थ्योरी नहीं है, बस इतनी ही है. देन स्टूडेंट्स, द लास्ट चैप्टर ऑफ न्यूमेरिकल मेथड, और यू कैन सी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन. सो सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ठीक है. सो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, दिस इज इम्पॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन द थ्री मेथड्स, द ट्रेपेजॉइडल रूल, द सिम्पसन्स 1/3 रूल एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको कर लेना. और अगर आपको थ्योरी पूछी जाती है तो आप इन पॉइंट्स को अगर जोड़ दोगे तो आपको एक टॉपिक की थ्योरी भी मिल जाएगी यहीं से. फाइन, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरपोलेशन. नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, दैट इज कर्व फिटिंग. ठीक है, और कर्व फिटिंग में जस्ट एक ही टॉपिक आपका आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ली स्क्वेयर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कर्व फिटिंग. और ये चीज़ बेटा ऑलरेडी मैंने आपको, मैंने नोट्स भी वही वीडियो से ही लिए हैं और वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. ठीक है, सो दिस इज ऑल द थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. नाउ आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर्स ऑफ न्यूमेरिकल मेथड पोर्शन.